विश्व भर में शुक्रवार को ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा गुड फ्राइडे मनाया गया। बाइबल के अनुसार प्रभु ईसा मसीह ने शुक्रवार के दिन ही अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसीलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में भी शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। इस दौरान मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शिमला के क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए लोग इस दिन को शोक के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन प्रभु यीशु के शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। चर्च में प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए लोगों ने विश्व शांति के लिए मौन रखा और प्रार्थना की। प्रार्थना सभा के बाद भगवान मसीह की शिक्षाओं के साथ सभा का आरंभ हुआ। सभी को गुड फ्राइडे की मुबारकबाद। जैसे कि गुड फ्राइडे यानी शुभ शुक्रवार जिसे आज कहा जाता है और पूरे विश्व भर में आज के दिन को मनाया जाता है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का दिन है, जबकि एक अफसोस का दिन है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 घंटे 12 बजे से 3 बजे तक वो क्रूस पर रहते हैं और उनके आखिरी 7 शब्द जो उन्होंने क्रूस पर से कहे थे उन पे आज बातचीत होती है, उन विचार किया जाता है, ताकि हम जैसे भी हर एक व्यक्ति जो आखिरी शब्द अपने मरने से पहले कहता है तो उसे बड़े ध्यान से सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। उसी प्रकार हम भी उन 7 शब्दों के ऊपर गौर करते हैं और विचार करते हैं और उस पर चलने के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं। और शुभ इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था उसने स्वयं अपने आप को अर्पित किया कि जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, क्योंकि पाप जब जगत में आया उसके साथ मौत आई, कि हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो मौत का भागीदार बनता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को अपने ऊपर लेकर हमें उससे छुटकारा दिया है और उसकी अनुग्रह और दया हम पे बनी है। और उसने कहा है जो उस पर विश्वास करता है वो मृत्यु में से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 घंटे वो क्रूस पर रहा और उसके बाद उसकी मौत हुई और उसे कब्र में रखा गया और 3रे दिन उसके कथन के अनुसार ईस्टर की सुबह वो जी उठा और 40 दिन तक इस संसार में रहा, अपने शिष्यों के साथ लोगों के साथ रहा और 40वें दिन वो जीवित स्वर्ग पर बादलों पर उठा लिया गया और लोगों 500 से भी ज़्यादा लोग जो वहाँ हाजिर थे उनके सामने उठा लिया गया और उसने कहा जिस प्रकार उसे जाते देखते उसी प्रकार वो फिर आएगा। और वो अपने लोगों को शिष्यों को ये आज्ञा देता है कि जब तक वो फिर ना आए तब तक हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, प्रार्थना करते रहें। और जैसे शब्द उसने पहला ही शब्द जो क्रूस पर से कहा कि हे पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने भी पाप करते हैं, परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है, वो हमें माफ़ करता है जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें जीवन देना चाहता है और बहुत याद का जीवन देना चाहता है। और इसलिए गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु के उन शब्दों पर गौर करते हैं, विचार करते हैं, ताकि उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके और खास प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमें भी नम्र और दीन करें ताकि हम एक दूसरे को भी माफ़ कर सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर इस जीवन में प्यार से रह सके और परमेश्वर के उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें जो परमेश्वर ने अपने राज्य की स्थापना का वादा किया है, जहाँ पर फिर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ फिर से मृत्यु नहीं होगी, जहाँ किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं होगी और हम उस राज्य के लिए परमेश्वर राज्य की बाट जोते हैं, तैयारी करते हैं। और तब तक हम प्रार्थनाओं में और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के उन आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।